तो दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 का फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान की यह फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। फिल्म दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में धमाका करते हुए नजर आने वाली है। IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में टाइगर और जोया एक बड़े मिशन पर जाने से पहले जोया के पास्ट के दुश्मन की तलाश पर जाएंगे। जोया का यह दुश्मन टाइगर यानी सलमान खान उनकी लाइफ में आने से पहले का होगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। फिल्म में इमरान हाशमी मेन और बड़े विलन के रूप में सभी के सामने नजर आने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है टाइगर और जोया को जिस दुश्मन की तलाश फिल्म में होगी तो वो कोई और नहीं बल्कि इमरान हाशमी हो सकते हैं। खैर सलमान भाई और इस वायरब के बड़े प्रोजेक्ट का शाहरुख खान भी अहम हिस्सा होंगे। शाहरुख खान का भले ही छोटा लेकिन इस फिल्म में दमदार कैमियो होने वाला है। एक बार फिर से पठान और टाइगर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। फिल्म की शूटिंग की बात करें तो माना जा रहा है फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और इसी के चलते सोशल मीडिया पर लगातार फैंस इस फिल्म से किसी बड़े धमाके को लेकर काफी इंतजार कर रहे हैं। वही बात करें टाइगर 3 के सॉन्ग की तो हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म के सबसे महंगे गाने को प्रीतम संगीत देंगे। वही वैभवी मर्चेंट गाने को कोरियोग्राफ करने वाली है। इस सॉन्ग को अब तक के सबसे रोमांटिक और सबसे महंगे गीतों में से एक कहा जा रहा है जिसे कई शानदार लोकेशंस पर शूट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर 3 फिल्म का ये सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत जिसे ग्रीस में शूट किया गया था उससे भी बड़े लेवल और खूबसूरत तरीके से फिल्माया जाएगा। इस सॉन्ग के लिए वैभवी ने फिर से एक अनोखा हुक स्टेप डिजाइन किया है और अपने डांसर के साथ रिहर्सल कर रही है। इस रोमांटिक ट्रैक का बजट 3 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ड फैन है तो ऐसी ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।